हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शादी के 10-15 दिन के बाद जो है आदिल दुर्रानी की जो दूसरी सेकंड वाइफ है यानी कि सोमी खान ने आदिल और राखी के रिश्ते पर कमेंट किया है। हम आपको बताते चले कि मीडिया पे आई हैं और उन्होंने कहा है, काफ़ी कुछ बोला है राखी के लिए भी कि राखी के साथ बड़ी टॉक्सिक जिंदगी जी रहे थे आदिल खान, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे और ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना ही उनके लिए बहुत ज़रूरी था। तो मैडम, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना ज़रूरी था और आपको पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी था? कोई और भी तो उनकी ज़िंदगी में आ सकता था, या अभी वो रुक भी तो सकते थे, क्योंकि अभी राखी से डिवोर्स तो हुआ नहीं है। आप आ गई हैं राखी की जगह लेने के लिए और राखी ने काफ़ी अच्छा वीडियो पे जवाब आपको दिया है कि मेरी उतरन तेरे हाथ। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास जवाब तो है नहीं। आदिल दुर्रानी कोई दूध के धुले थे नहीं। अगर राखी कैसी है ये सबको पता है, तो आदिल दुर्रानी ने भी राखी का यूज़ किया है और नेम ऑफ फेम पाने के लिए राखी और राखी के रिश्तों को, राखी के पैसों को, राखी के मतलब एंटरटेनमेंट और नेम फेम को यूज़ किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राखी गलत है और आदिल सही है? 100% ना राखी सही है ना तो आदिल सही है, दोनों एक। और बीच में आप जो है, जब देखी कि आदिल नेम फेम मिल चुका है राखी की वजह से, कंट्रोवर्सी की वजह से, तो आप उसकी ज़िंदगी में फट से आ गई हैं पैसा वैसा देख के। बिग बॉस फेम आप भी हैं और यही शायद आदिल की चाहती, बिग बॉस में जाने के लिए उसने राखी को पकड़ा था, बिग बॉस में ही जाने के लिए उसने आपको पकड़ा है। तो अब आप भी सावधान रहिएगा, क्योंकि अब जैसे राखी के रहते आप आ गई हैं, तो आपके रहते कोई तीसरी ना आ जाए। और आएगी ज़रूर, क्योंकि जिनकी जिन आदमियों की फितरत होती है ना, एक के रहते दूसरी ले आए, तीसरी ले आए, उनके लिए चौथी पाँचवीं लानी भी कोई भी मतलब मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो आपके रहते ही कुछ महीनों कुछ साल में ऐसा कुछ कर ले। आप लोग के क्या राय है, सब्सक्राइबर से पूछना चाहते हैं इस मैटर पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।